ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जेएयर एयरपोर्ट से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जेएयर एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों और जिला प्रशासन में टकराव। जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे प्रशासन और पुलिस टीम पर पथराव किया गया। किसानों ने जमीन पर कब्जा देने से किया इनकार। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। पथराव में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। थाना जेवर क्षेत्र के रोही गांव में हुई है यह झड़प। ग्रेटर नोएडा से खबर, जमीन अधिग्रहण को लेकर हुआ पथराव इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता रहे हैं किसानों और जिला प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति जब बनी, जब प्रशासन और पुलिस की टीम यहां पहुंची और उस पर पथराव ग्रामीणों ने किया, किसानों ने किया, किसानों ने जमीन का कब्जा लेने से किया इनकार। पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। थाना जेवर के रोही गांव में हुई है झड़प। अक्रम खान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अक्रम, जल्दी से बताइएगा क्या कुछ हुआ। पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची लेकिन ग्रामीण नाराज दिखाई दिए। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जेवर एयरपोर्ट की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए जिला प्रशासन की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची थी और ये जेवर एयरपोर्ट मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसी के लिए कब्जा लेने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। लेकिन काफी दिनों से ग्रामीण नाराज चल रहे थे, इसी को लेकर आज जिला प्रशासन और पुलिस की टीम के साथ ग्रामीणों का जमकर पथराव हुआ है। इसमें सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इसमें जो जेवर SDM है गुंजा सिंह, वो घायल हुए हैं। उनकी गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दी गई है। इसके अलावा मौके पर भगदड़ मच गई थी। किसानों का जो आक्रोश था उसके सामने जिला प्रशासन के अधिकारी बैकफुट पर आ गए और जमकर पथराव हुआ है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और यहाँ पर ये रोही गांव पड़ता है जहाँ पर जिला प्रशासन की टीम कब्जा लेने पहुंची थी। जगह जगह कब्जा लिया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन दावा कर रहा था कि किसान अपनी सहमति से कब्जा दे रहे हैं, लेकिन आज की घटना कहीं ना कहीं किसानों के असंतोष जो है उसको उजागर करती है कि जिला प्रशासन की टीम के खिलाफ आज ग्रामीण इकट्ठा होकर हल्ला बोल कर दिया और जमकर पथराव हुआ है। इसमें जेवर SDM घायल है, उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया है और लगातार जो किसानों का आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर कई TSC की जो कंपनियां हैं वहां वो तैनात कर दी गई हैं और पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। जी, नजर बनाए रखिएगा। क्रम फिर आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।